नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हरिद्वार में पुलिस ने सात शातिर को दबोचा। मिनी बैंक में हुई चोरी और अन्य वारदातों का भी किया खुलासा। हरिद्वार पुलिस ने बीते दिनों पथरी थाना क्षेत्र में स्थित मिनी बैंक में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं तीन अन्य आरोपियों को बाइक चोरी समेत अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया है। बर्खास्त होंगे उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के 228 कर्मी। हाईकोर्ट ने फैसला सही ठहराया। उत्तराखंड हाईकोर्ट के खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश को सही माना है। पूर्व में एकल पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है। विस बैकडोर भर्ती। हाईकोर्ट के आदेश पर बोली स्पीकर ऋतु खंडूड़ी, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। बहुचर्चित उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने खुशी जाहिर की है। उनका साफ लहजे में कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। लक्सर पुलिस ने तीन बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, 6 मोटरसाइकिल बरामद। लक्सर में पुलिस ने बाइक चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में तीन बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों से 6 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने डोईवाला में किया गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ। किसानों ने किया विरोध। डोईवाला में गन्ने का पेराई सत्र शुरू हो गया। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पेराई सत्र का शुभारंभ किया। इस दौरान किसानों ने विरोध भी किया। किसानों ने कहा शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू हो गया है, सरकार ने अभी तक गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है। किसानों को गन्ना पर्ची में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फरवरी में कोटद्वार में लगेगा रोजगार मेला। ऋतु खंडूड़ी ने केंद्रीय सचिव आरती आहूजा से की मुलाकात। फरवरी महीने में कोटद्वार में रोजगार मेला लगेगा। इस संबंध में कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के केंद्रीय सचिव से मुलाकात की। ऋषिकेश देहरादून में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, मचा हड़कंप। देहरादून और ऋषिकेश में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। ऋषिकेश में हरिद्वार रोड स्थित MJ प्रॉपर्टीज, मेन बाजार स्थित गढ़वाल होजरी और रेलवे रोड स्थित विलाना होटल में छापेमारी चल रही है। सूत्रों की माने तो इसके साथ ही इससे संबंधित हर प्रतिष्ठान पर छापेमारी चल रही है। करण महारा बोले, चिंतन शिविर से जरूरी है विकास कार्य, DGP से इस्तीफा मांगा। चिंतन शिविर के बहाने कांग्रेस ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि प्रदेश में लाल फीताशाही हावी है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर DGP के इस्तीफे की मांग भी की है। ऋषिकेश के भोगपुर में पंचकर्मा और आयुर्वेद सेंटर का शुभारंभ। गंगा भोगपुर के पास पंचकर्मा और आयुर्वेद सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यापीठ के संस्थापक योगी कर्मवीर ने शिरकत की। उन्होंने योग के बारे में जानकारी दी। ऋषिकेश SDM ने लिया पशुलोक और आम बाग में अवैध निर्माण का जायजा। MDDA को दिया आदेश। ऋषिकेश SDM ने पशु लोक व आम बाग में निर्माणाधीन अवैध भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने अवैध निर्माण पर MDDA के अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं आम बाग और आसपास के क्षेत्र में विस्थापित 7 गांवों के विस्थापन के आधार पर बंदोबस्त प्रक्रिया को पूरा करने पर सहमति बनी है। वन विभाग अतिक्रमण के खिलाफ करेगा बड़ी कार्रवाई, 24 को नोटिस जारी। वन विभाग अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। प्रभागीय वन अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि 24 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया है, जल्द इन पर कार्रवाई की जाएगी। SOG काशीपुर में बरामद की 22 लाख के 140 गुमशुदा मोबाइल। SOG काशीपुर ने लाखों की कीमत के गुमशुदा मोबाइल बरामद किए हैं। SOG काशीपुर ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से कुल 140 गुमशुदा मोबाइल फोन्स बरामद किए, जिनकी कीमत 22 लाख रुपए है। लक्सर में गन्ने के खेत में लगी आग, 30 बीघा फसल जलकर हुई राख। लक्सर में गन्ने के खेतों में आग लग गई। गन्ने के खेतों में आग लगने से 30 बीघे में लगी फसल जलकर राख हो गई। ऋषिकेश में गंगा उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, बच्चों को किया पुरस्कृत। ऋषिकेश में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से गंगा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल हुए। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने वाले स्कूली छात्रों को प्रेमचंद अग्रवाल ने पुरस्कृत किया। पौड़ी यमकेश्वर ब्लॉक के माला गांव के पास खाई में गिरा ट्रक, चालक घायल, SDRF ने किया रेस्क्यू। यमकेश्वर ब्लॉक के माला गांव के पास देर रात एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलने के बाद SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हादसे में घायल ट्रक चालक को खाई से बाहर निकाला। मसूरी में चिंतन शिविर के अंतिम दिन की शुरुआत, योग शिविर से ITBP जवानों से मिली CM धामी। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में उत्तराखंड सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है। आज शिविर के आखिरी दिन की शुरुआत योग शिविर से हुई। उत्तराखंड के CM धामी और मुख्य सचिव SS संधू समेत चिंतन शिविर में मौजूद सभी लोगों ने योगासन किए। योग शिविर से पहले CM धामी ने मॉर्निंग वॉक करते हुए ITBP के जवानों से मुलाकात की। यहां गैस सिलेंडर 2000 तो टमाटर 100 रुपए किलो पहुंचा, जाने क्यों।
काठगोदाम हेड़ा खान रोड पिछले 10 दिनों से बाधित है। इस कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मार्ग बंद होने के कारण लोगों तक रसद व अन्य जरूरी सामान पहुंचाना मुश्किल हो गया है। इस मामले पर जब विधायक राम सिंह कैड़ा से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि उन्होंने इस स्थान का स्थल निरीक्षण किया है। भूवैज्ञानिकों की टीम सही आकलन कर बताएगी। अगर दूसरा मार्ग बनाना पड़ेगा तो वो भी किया जाएगा। इसके लिए वो 1 साल की विधायक निधि भी यहाँ खर्च करने को तैयार है। मसूरी चिंतन शिविर के तीसरे दिन विभागों ने दिया प्रेजेंटेशन, बताया भविष्य का रोड मैप। मसूरी में चिंतन शिविर के तीसरे दिन विभागों ने भविष्य के रोड मैप को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। वन विभाग ने बताया कि प्रदेश में प्रकृति आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 नए डेस्टिनेशन अगले 5 वर्षों में चयनित एवं विकसित किए जाएंगे। आयुष विभाग ने बताया कि उत्तराखंड को आयुष और योग का हब बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला, हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं कांग्रेस, बोले नेताओं पर होनी चाहिए कार्रवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आज विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कर्मचारियों की बर्खास्तगी को सही ठहराया है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। निसड़ी गांव में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, 5 साल के मासूम को बनाया था निवाला। निसड़ी गांव में मासूम को निवाला बनाने वाला गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है। वन विभाग की टीम गुलदार को लेकर पौड़ी रेंज नागदेव कार्यालय पहुंची, जहां से गुलदार को रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। हेमा पुरोहित ने संभाला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष का पदभार, गिनाई अपनी प्राथमिकताएं। देहरादून कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में हेमा पुरोहित ने कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाला। इस मौके पर कांग्रेस का कार्यकर्ताओं ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। हेमा ने पदभार ग्रहण करते ही अपनी प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि पेपर लीक विधानसभा भर्ती घोटाला और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर वह सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगी। रुद्रपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट से होगा कूड़े का निस्तारण, ईंधन के रूप में होगा इस्तेमाल। रुद्रपुर नगर निगम के सीबीजी प्लांट में कुछ माह बाद गीले कूड़े का निस्तारण कर बायोगैस निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। प्लांट निर्माण के लिए कंपनी द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। 6 माह बाद शहर को कूड़े के पहाड़ से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। गोवा फिल्म फेस्टिवल, शॉर्ट फिल्म पाताल ती की टीम से मिले अभिनव कुमार। उत्तराखंड की शॉर्ट फिल्म पाताल ती की टीम से विशेष सूचना सचिव अभिनव कुमार ने मुलाकात की। इस दौरान अभिनव कुमार ने कहा कि राज्य सरकार फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रावधान करने जा रही है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बनाए गए उत्तराखंड पवेलियन में पंकज त्रिपाठी भी पहुंचे। 26 नवंबर से राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता, उत्तराखंड पुलिस की 21 टीमें करेंगी प्रतिभाग। उत्तराखंड पुलिस की राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता आगामी 26 नवंबर से श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित होने जा रही है। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 13 जनपदों से पुलिसकर्मी और अधिकारी शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। वहीं इस प्रतियोगिता का समापन 28 नवंबर को होगा। मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ता संघर्ष, नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार की कमेटी बनाने के लिए दिए निर्देश। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बढ़ते मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज 24 नवंबर को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को विशेषज्ञों की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने निकाली आक्रोश रैली, अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग। अंकिता हत्याकांड मामले में गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने अंकिता मर्डर केस में एसआईटी जांच पर सवाल उठाए हैं। साथ ही मामले की सीबीआई जांच, वीआईपी गेस्टों का नाम उजागर करने, तीनों आरोपियों को नार्को टेस्ट कराने और दोषियों को फांसी देने की मांग की है। साइबर अपराध, पौड़ी जिले में तेजी से बढ़ रहा साइबर क्राइम, इन बातों का रखेंगे ख्याल तो बचे रहेंगे। पौड़ी जिले में साइबर अपराध में वृद्धि हुई है। साल 2021 में साइबर क्राइम के 385 अपराध पंजीकृत किए गए। साल 2022 में 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक 424 मामले दर्ज किए गए हैं। सितारगंज में चला प्रशासन का पीला पंजा, अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में प्रशासन ने अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया। प्रशासन ने कुछ दिनों पहले अतिक्रमण को चिन्हित कर दिया था और लगातार इलाके के व्यापारियों से अपील की जा रही थी कि वो अपना अतिक्रमण खुद हटा लें। जिन्होंने नहीं हटाया था उनके खिलाफ आज कार्रवाई की गई। रामनगर, अब ढीला नदी पर नहीं जाएगी जान, लोन ईवी ने पुलों का प्रस्ताव शासन को भेजा। रामनगर में जानलेवा ढीला नदी और कस से रवा नाले पर जल्दी पुल बनाया जाएगा। बकायदा इसके लिए लोनीवी रामनगर ने शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है। अब शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। अगर शासन से मंजूरी मिलती है तो आने वाले समय में लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोनों हॉस्पिटल के डॉक्टर शशांक ने पेश की मिसाल, मरीज को पहले दिया खून फिर किया ऑपरेशन। दून मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर ने आखिरी समय पर देवदूत बनकर न सिर्फ गंभीर रूप से घायल हुए मरीज का ऑपरेशन किया बल्कि जान बचाने के लिए ऑपरेशन से पहले मरीज को ब्लड भी डोनेट किया। मरीज के परिजन खून का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे, ऐसे हालात में डॉक्टर शशांक सीमा से अधिक जाकर मरीज की मदद की। घर में ही प्रिंटर लगाकर नकली नोट छाप रहा था शातिर, पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा।
हरिद्वार में बुधवार को नकली नोट छाप रहे एक छात्र को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने 29,800 के नकली नोट के साथ तस्कर को ब्रह्मपुरी से गिरफ्तार किया। आरोपी 100 और 200 के नकली नोट छाप रहा था। गुरुवार को पुलिस को नकली नोट छापे जाने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो खबर सही निकली। आरोपी नरेश कुमार सैनी ग्राम खलीलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर हाल निवासी मोहल्ला धीरावली थाना ज्वाल लापुर को पकड़ा गया। आरोपी के घर से कलर प्रिंटर और एक डाय बरामद हुई है। मेले में मची भगदड़। उत्तरकाशी देवलांग मेले में पेड़ टूटने से हजारों मेलार्थी की जान पर बनाई। उत्तरकाशी जिले के रवाई क्षेत्र के बनाल ठकराल पट्टी के प्रसिद्ध पौराणिक देवलांग मेले में देवदार के पेड़ के आगे के हिस्से के टूटने से भगदड़ मच गई। हालांकि बड़ी घटना होने से टल गई, लेकिन कई लोग चोटिल हुए हैं। रवाई क्षेत्र के बड़कोट तहसील के बनाल पट्टी के गैर गाँव में सर्दियों से दीपावली पर्व के एक माह के बाद देवलांग मनाई जाती है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।